खबर देवरिया जनपद से है, जहां शनिवार की शाम पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हो गई। उसमें 25,000 के नामियाब बदमाश 1,00,000 वाराणसी को गोली लग गई, जबकि एसओजी का एक सिपाही भी घायल हो गया। मुठभेड़ के दौरान दो बदमाश पुलिस को झांसा देकर फरार हो गए। गौरी बाजार के सिरजम चौराहे के पास बदमाशों के होने की सूचना पर गौरी बाजार पुलिस और एसओजी टीम ने शनिवार की शाम करीब 4 बजे घेराबंदी की थी। इसी दौरान बाइक से जा रहे संदिग्धों को पुलिस ने रोकना चाहा तो उन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए बदमाशों पर फायरिंग कर पकड़ने का प्रयास किया। इस दौरान बदमाश बाइक सिरजम पथरहट मार्ग की तरफ भागने लगे। पुलिस ने उनका पीछा किया। भागते समय पुलिस फायरिंग में एक बदमाश को बाएं पैर में गोली लग गई। वह बाइक से गिर गया, जबकि दो बदमाश फरार हो गए। इस दौरान एसओजी में तैनात सिपाही धनंजय भी घायल हो गए। पुलिस ने बाइक से गिरे बदमाश 1,00,000 को दबोच लिया। घायल बदमाश और सिपाही धनंजय को लेकर पुलिस जिला अस्पताल की इमरजेंसी में पहुंची। सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक डॉक्टर श्रीपति मिश्र भी वहां पहुंच गए। एसपी ने बताया कि दबोचा गया बदमाश 1,00,000 वारसी पुत्र हसमुद्दीन शेख निवासी भरवलिया भरपार थाना रामपुर कारखाना का रहने वाला है। वह सीएसपी संचालक सर्वेश्वर पटेल हत्याकांड का मास्टरमाइंड है। उसे पैर में गोली लगी है, जबकि एसओजी के सिपाही धनंजय भी घायल है। एसपी ने बताया कि दबोचा गया बदमाश 18 नवंबर को सीएसपी संचालक की हत्या और 5,40,000 रुपए की लूट की घटना में शामिल था। पुलिस ने 26 नवंबर को 25,000 का इनामी भी घोषित किया था। देवरिया जनपद से विकास तिवारी की रिपोर्ट। हुआ है थाना गौरी बाजार के सिरजम क्षेत्र में आज एसओजी गौरी बाजार और बदमाशों के बीच में एक मुठभेड़ हुई है, जिसमें दो बदमाश भागने में सफल हो गए। एक बदमाश को गोली लगी है। यह बदमाश इस जनपद में थाना गौरी बाजार में एक लूट और हत्या की बड़ी विभत्स घटना घटित हुई थी। उसका ये मास्टरमाइंड है, 1,00,000 वारसी और इस पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित था। इसके कब्जे से एक 12 बोर का तमंचा और वो फायर किया हुआ है। इसके अलावा 4 कारतूस इसके पास मिले हैं और कुछ कैश भी बरामद हुआ है। इस समय हॉस्पिटल में ये इंजर्ड है, उसका इलाज चल रहा है। और इस मुठभेड़ में हमारा एक कांस्टेबल बहादुर कांस्टेबल धनंजय है, उसको भी चोट आई है और वो भी यहाँ इलाजरत है।